या रसूल अल्लाह या गौसिया जिंदाबाद। अजीजा ने मोहतरम इस तो बाद हजरत साहब के नाल आए हुए कारी साहब कारी मोहम्मद गुलफाम साहब वो बारगाह रिसालत में नजराना की इज्जत पेश करे कारी गुलफाम साहब नारे तकबीर नारे रिसालत सरकार की आमद दिलदार की आमद मंठार की आमद सोने की आमद लजपाल की आमद नारे रिसालत نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما السائل فلا تنهر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم العليم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بابا صلی اللہ علیہ وسلم حضرات محترم قبلہ پیر صاحب دے فرمان دے مطابق अपनी हाजरी अल्लाह और अल्लाह दे रसूल अल्लाह दे रसूल दे आशिक और मुहिब्बान रसूल सब दी बारगाह दे अंदर हाजरी पेश करनी अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए। दो तीन अशआर नात शरीफ दे सब ने मिल के मेरे नाल पहले पढ़ने ने बलगल ओला बेकमाले बलगल ओला बेक कशफ तू जा बेजमाले हसुन साले सल्लो अले वो गरीबिया सोया बख्त जगा दिया बलगल कशफ तू जा बेजमाल सुन जमी ओ खिसाले सल्लो अले और जो गले लगा अदू कभी वो रसूल मेरा रसूल है वो रसूल हमारा रसूल है कोई खाली हाथ गया नहीं ये मेरे नबी का उसूल है बा
हल कशफ हसुन जमी ओ खिसाने ही सल्लु हजरात मोहतरम बिला तखीर और बिला तमहीद चंद गल्लां तुहाडे सामने होश गुजार करनिया ने अल्लाह रब्बे कायनात अपने हबीब और अपने हबीब अलैहि सलात व सलाम दे कामल वलियां दे सदके साडे ते रहमत अता फरमाए। आखो सुभान अल्लाह। मेरे तो पहले माशाल्लाह मौलाना फरियाद साहब ने बड़ा अच्छा बयान करते सन जलालियत वाला। अल्लाह रब्बे कायनात सब दी हाजरी अपनी बारगाह कबूल फरमाए और मैं चंद गल्लां करनिया ने। पहली बात हजूर नबी पाक अली सलात व सलाम दी कि ये अजमतां वालियां शाना वालियां घड़ियां ने अल्लाह दे बुजुर्ग बंदियां दे सदके अल्लाह ने सानू अनायत अता फरमाईयां ने। इंज बैठो कि कोई भी बंदा जेड़ा है हजूर दा जिक्र सुनन वास्ते बैठे हैं अल्लाह दे कामल वलियां दा उर्से पाक भी है ते गौसे पाक दा भी उर्से पाक है। इंज बैठो अपने दिलां दे अंदर नेक हाजात दुआवां लैके बैठो कि इंज दुआइया तौर ते बैठो कि हजूर नबी पाक अलैहि सलात व सलाम दे सदके गौसे पाक दी भी नजर इनायत हो जाए। ते अज कोई भी न जावे अज कोई भी न जावे खाली इतो अज कोई भी न जावे खाली इतो तेनू तेरी गली दा मौला